अगर बच्चे होमवर्क ठीक से ना करें तो उनको सजा का पैमाना क्या हो सकता है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है, और क्या पैमाना होना चाहिए भी, इस पर भी सवाल है। लेकिन यूपी के सोनभद्र में एक स्कूल में ऐसी तस्वीर सामने आई जहां प्रिंसिपल ने बच्चियों को होमवर्क ना करने पर ऐसी सजा दी जिसे शर्मनाक से भी आगे क्या कहा जाए शब्द नहीं। होमवर्क करके ना आने पर शर्मनाक सजा, प्रिंसिपल ने उतरवाई लड़कियों की स्कर्ट, भरे स्कूल में लड़कियों की कराई परेड। सजा के नाम पर आठवीं क्लास की बच्चियों का स्कर्ट उतरवाने की ये मनमानी हुई है सोनभद्र में। एक सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली इन मासूम बच्चियों को अंदाजा नहीं था कि संस्कृत का होमवर्क ना करके आने की सजा इतनी खौफनाक भी हो सकती है। न सिर्फ आठ बच्चियों की स्कर्ट पूरे स्कूल के सामने उतरवा दी गई, बल्कि उन्हें पूरे स्कूल में घुमाकर वीडियो भी बनाया गया। प्रिंसिपल का मन इतने से नहीं भरा तो धमकी दे डाली कि आइंदा होमवर्क ना किया तो वीडियो इंटरनेट पर डाल दी जाएगी। हमें संस्कृत याद करने के लिए दिया गया था जो कि हमने नहीं याद किया, तो इसी कारण मैम ने हमारी स्कर्ट उतरवा के और हम पूरे ग्राउंड में घुमाया, जो कि वहाँ साइड से बच्चे लोग लड़के लोग देख रहे थे। फिर भी मैम को दया नहीं आई और मैम ने ये भी दिया है कि कल आज शनिवार को बोला गया था कि मंडे को जिसको जिसको याद नहीं होगा जो बच्चा खुचा भी कपड़ा वो भी उतरवा देंगे। छात्राओं की माने तो प्रिंसिपल ने बच्चियों को मुर्गा बनाकर ग्राउंड में घुमाया और ऐसा ना करने पर लातों का इस्तेमाल करने से भी गुरेज नहीं किया। मैम ने एक लड़की को मारी तो वो झाड़ी में गिर गई जाके, और बाहर ग्राउंड पे लड़के हुए बैठे हुए थे। जो धमकी दी उसके बोलो, धमकी मोबाइल में वो वीडियो की है और धमकी दी है कि अगर तुम लोग याद करके नहीं आओगे तो ये वीडियो इंटरनेट पे सारा भिजवा देंगे। बात स्कूल के बाहर पहुंची तो हंगामा मच गया। बच्चियों के माता पिता का आक्रोश सातवें आसमान पर था। डीएम के पास बात पहुंची तो आनन फानन में प्रिंसिपल मैडम को सस्पेंड किया गया। जो महाप्रबंधक से मेरी बात हुई थी तो उन्होंने उसकी संक्षिप्त जांच कराई, और जांच कराने के बाद कई सारे अभिभावक भी इस समय वहाँ पे थे, तो उनसे जानकारी करने के बाद घटना की पुष्टि हुई है और उन्होंने प्रधानाचार्य को तत्काल निलंबित कर दिया है, निलंबित करके उसको वहाँ से ट्रांसफर कर दिया है। फिलहाल प्रिंसिपल का सस्पेंशन के साथ ट्रांसफर तो कर ही दिया गया है, लेकिन सवाल इससे बड़ा है, क्या ऐसे ही शिक्षकों के पास हमारे बच्चों को शिक्षा देने की जिम्मेदारी है जिन्हें सजा देने या बच्चों के साथ क्रूरता करने में फर्क ही नहीं मालूम। विधु शेखर मिश्रा, सोनभद्र, आज तक।